राजौरी में हुई बारिश से धान के किसानों को बड़ी राहत मिली है। बारिश की वजह से फसल को उसकी जरूरत के मुताबिक पानी मिल रहा है और आगे भी पानी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बारिश के बाद नदी नालों में भी बारिश का पानी जमा हो गया है। इरीगेशन डिपार्टमेंट के अफसरान का कहना है कि बारिश की वजह से किसानों को फायदा होगा और हमें किसानों को पानी फराहम करने में भी आसानी होगी। जैसा आपने देखा कि पिछले दिनों हमारा पैडी सीजन काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो एकदम ड्राउट सीजन हो गया था, तो हमारी जो कैनाल्स हैं उनमें पानी बंद बहुत कम हो गया था, डिस्चार्ज काफ़ी कम हो गया था। तो फिर भी हम कोशिश कर रहे थे हर जगह से डिसिल्टिंग करके, हेड वर्क को कम्प्लीट करके, तो किसानों को पानी पहुंचाने की कोशिश पूरी कर रहे थे, लेकिन कहीं कहीं हमें कमी पानी की, ड्राउट सीजन की वजह से पानी की बहुत कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि नालों में पानी कम हो गया था। तो अब ये रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, तो इंशाल्लाह हमारे जो नदी नाले हैं वो दोबारा रिचार्ज हो गए हैं, तो अब हमें जो पानी की कमी है वो पूरी हो गई है। तो अब किसान जो है वो खेती का काम भरपूर कर रहे हैं, आप देखेंगे उनके साइड पे जगह जगह लोग पैडी का फसल लगा रहे हैं। तो काम करता है जनता की भलाई के लिए, लेकिन जब तक ऊपर वाले का साथ ना हो तो इंजीनियर्स को भी कई बार कामयाबी 100% लेने में दिक्कत आती है। जैसे कि हमारी पैडी सीजन स्टार्ट हो गया था तो बारिशें नहीं हो रही थी, तो जो भी कुदरत का दिया हुआ पानी था नदी नालों में वो हम मैनेज कर रहे थे थ्रू कूलों के, ताकि लोगों की फसल जो खराब ना, बर्बाद ना हो जाए। तो ये जो कूल जितनी भी बनी है बहुत लंबी कूल है, इसमें से जितनी भी बनी है बहुत अच्छी और बहुत पसंद है हमें। यहाँ के जो भी मुलाजमीन हैं सबसे अच्छे हैं, ये हमारे अपने गांव के लोकल हैं, इनकी भी ज़िम्मेदारी का पता है, ये भी ज़िम्मेदार लोग हैं और इनको हमारी ज़िम्मेदारी का पूरा एहसास है। और पानी भी हमारा बहुत ठीक ठाक चल रहा है, इसमें जो इनकी रिपेयरिंग थी वो इसकी शाख तराशी करनी वगैरह, गंद वगैरह निकालना, वो भी इन्होंने निकाला है।